सिवान जिले में इस तरह हुआ माँ दुर्गा का विसर्जन। जुलूस को लोग देखते ही रह गए। तालाब में विसर्जन के बाद लोगों की आंखें हुई नम। विजयदशमी के बाद बुधवार को माँ दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया। सिवान के कई पूजा पंडालों में माँ दुर्गा को लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। विसर्जन के दौरान भव्य जुलूस भी निकाला गया। विसर्जन जुलूस के दौरान हर तरफ माँ दुर्गा के जयकारे लग रहे थे। विसर्जन को लेकर हर चौक चौराहे पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा गया। महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय में बुधवार को विभिन्न पूजा पंडालों में स्थापित माँ दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं का दर्शन कर अंतिम विदाई की गई। गाजे बाजे और हाथी घोड़े के साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का शोभा यात्रा निकाला गया। प्रतिमा विसर्जन यात्रा शहर के नखास चौक बड़ी देवी के पूजा पंडाल से शुरू हुआ, जो शहर कलेक्टर पोखरा पर पहुंच मेला में तब्दील हो गया। प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मैया के जयकारे गूंजते रहे। देवी गीतों की धुन पर श्रद्धालुओं की मस्ती में होकर झूमते नाचते विसर्जन यात्रा में चल रहे थे। देवी माँ की भक्ति में लीन होकर भक्त माँ के रंग में रंगे हुए थे। शहर के कलेक्टर पोखरा व राम जानकी मठ स्थित पोखरा में माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा को विसर्जित किया गया। दशहरा के मेले को शांतिपूर्व संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता, एसपी शैलेश कुमार सिन्हा, महाराजगंज एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन, एसडीओ रोशना माद्री सहित सभी थाने के पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन लगे हुए थे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार अनोखे अंदाज से माँ दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी।